हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में आपको सिंपल एंड स्टाइलिश टॉप बनाना बताऊंगी। सो देखिए फ्रेंड, टॉप में जो कपड़ा यूज करूंगी वो मैं लगभग 1.5 मीटर के पास यूज करूंगी। मैंने अभी कपड़े को 2 भागों में किया हुआ है, आप देख सकते हैं। अभी हमें कपड़े को 4 भागों में करना है। इस प्रकार से 4 भागों में कर लेंगे हम। सो आप देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने कपड़े को 4 भागों में कर लिया है। उसके बाद हम टॉपर की लेंथ लेंगे। तो टॉपर की जो लंबाई रख रही हूँ वो मैं 28 इंच पर रख रही हूँ, जो 1 इंच मार्जिन में आ जाएगा। और टोटल टॉप जो बनकर तैयार होगा वो 27 इंच पर होगा। आप इससे कम ज़्यादा भी ले सकते हैं। उसके बाद हम शोल्डर की लंबाई लेंगे। तो शोल्डर की लंबाई जो ले रही हूँ मैं 7 इंच पर ले रही हूँ। जितने भी आपकी शोल्डर की लंबाई हो आप उसको ऑफ कर लीजिएगा। इसमें टोटल शोल्डर की लंबाई जो है वो 14 इंच पर है। 14 इंच को हम ऑफ करेंगे तो 7 इंच होता है। 7 इंच में मार्जिन लगा दूंगी। और आर्मोर की लंबाई मैं 6.5 इंच पर ले रही हूँ। और यहाँ पर एक बॉक्स बना लेना है। सो आप देख सकते हैं फिर मैंने यहाँ पर बॉक्स बना लिया है। अब मैं क्या करना है, आर्मोले हम ग्रह देंगे। तो जितने भी आपका आर्मोल हो उसको आप हाफ कर लीजिएगा। और जहाँ से हमारा हाफ हुआ है वहाँ पर हम 1 इंच पर ग्रह दे देंगे इस प्रकार से। और 1/2 इंच हम अंदर की तरफ ग्रह देंगे फ्रंट पार्ट में। 1/2 इंच हमें अंदर की तरफ गहराई देनी है फ्रंट पार्ट में। सो आप देख सकते हैं फिर मैंने यहाँ पर गहराई दे दी है। अब हम नेक का मार्जिन लगाएंगे। तो नेक की जो लंबाई ले रही हूँ मैं 3.5 इंच पर ले रही हूँ। और डीप में ले रही हूँ उसे 3 इंच पर। सो फ्रेंड यहाँ पर भी एक बॉक्स बना लेंगे। और बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पर हम नेक का शेप दे देंगे। सो फ्रेंड अब हम फिटिंग का मार्जिन लगाएंगे। तो फिटिंग में चेस्ट की लंबाई जो है वो 8 इंच पर है। 8 इंच को हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे तो 32 इंच पर होता है। टोटल इसमें चेस्ट की लंबाई जो है वो 32 इंच पर है। और कमर का मार्जिन लगा रही हूँ 7 इंच। 7 इंच को हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे तो 28 इंच होता है। कमर का टोटल मार्जिन जो है वो 28 इंच पर है। जितना भी आपकी फिटिंग का मार्जिन हो उसको आप 4 भागों में डिवाइड कर लीजिएगा। उसके बाद हमें 2-2 इंच एक्स्ट्रा रखना है मार्जिन के लिए। मैंने यहाँ पर 2-2 इंच एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन के लिए। और यहाँ से मैं मार्जिन लगा रही हूँ 8 इंच पर। 8 इंच को हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे तो 32 इंच होता है इस प्रकार से। और 2-2 इंच हमें एक्स्ट्रा रखना है मार्जिन के लिए। और यहाँ पर फिटिंग का शेप दे देना है और इसकी कटिंग कर देंगे। सो आप देख सकते हैं फ्रेंड मैंने टॉप की कटिंग कर दी है। मैं आपको ओपन कर दिखाती हूँ। उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमने फ्रंट पार्ट में गहराई के लिए मार्जिन लगाया था 1/2 इंच की दूरी पर उसको हमें कट कर देना है। सो फ्रेंड अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमें कपड़े को 4 भागों में करना है। इस प्रकार से हम कपड़े को 4 भागों में कर लेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड मैंने कपड़े को 4 भागों में कर लिया है। उसके बाद हम बाजू की लेंथ रखेंगे। तो बाजू की जो लंबाई रख रही हूँ मैं 12 इंच पर रख रही हूँ। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है। अब मैं आर्मोल की लंबाई लूँगी। तो टॉप में आर्मोल की लंबाई हमारी 6.5 इंच पर थी। यहाँ पर हम 2 या 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो इसमें मैं आर्मोल की लंबाई जो ले रही हूँ वो 8 इंच पर ले रही हूँ। और नीचे की तरफ जहाँ से हमारी खुली साइड है वहाँ पर हमें मार्जिन लगाना है नीचे की तरफ 2.5 इंच पर। इस प्रकार से 2.5 इंच पर मार्जिन लगा देना है। नीचे से बाजू की लंबाई जो रख रही हूँ मैं 6 इंच पर रख रही हूँ। और 1 इंच मार्जिन के लिए रख रही हूँ एक्स्ट्रा। और यहाँ से रख रही हूँ 7 इंच पर। यहाँ पर भी 1 इंच एक्स्ट्रा रख रही हूँ मार्जिन के लिए। और यहाँ पर रख रही हूँ 8 इंच पर। सो फ्रेंड मार्जिन के लिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। उसके बाद हम बाजू की शेप दे देंगे और इसको कट कर देंगे। इस प्रकार से बाजू की शेप देंगे, ऊपर की तरफ गोलाई में शेप देंगे बाजू की और कटिंग कर देनी है। सो आप देख सकते हैं फ्रेंड मैंने बाजू की कटिंग कर दी है। सो फ्रेंड अब हम अम्ब्रेला कट बाजू कटिंग करेंगे। तो इसे भी हमें 4 भागों में करना है। इस प्रकार से इस कपड़े को भी हमें 4 भागों में करना है। और जो हमने नॉर्मल बाजू की लंबाई ली थी
वो 6 इंच ली थी नीचे से, हमें मार्जिन नहीं लेना है, एक्स्ट्रा जो मार्जिन लिया है 1 इंच पर उसको हमें नहीं लेना है। तो इसका मार्जिन जो लिया है मैंने नीचे से वो 6 इंच पर लिया है, और इस प्रकार से बाजू को रखना है, हमें 8 भागों में करना है बाजू को। आप इंस्टेबल से भी नाप सकते हैं, इंस्टेबल से लंबाई लेंगे ऊपर से तो 3 इंच पर आएगा, दोनों तरफ 3-3 इंच पर आएगा हमारा मार्जिन। 3 इंच पर मार्जिन लगाने के बाद हम अम्ब्रेला कट बाजू की लेंथ रखेंगे। सो फ्रेंड, इसकी लेंथ जो रख रही हूँ मैं 6.5 इंच पर रख रही हूँ। 6.5 इंच पर हमें 6.5 इंच की मैंने अम्ब्रेला कट बाजू की लेंथ रखी है, और इस प्रकार से इंस्टेबल को रखेंगे हम और गुलाई में शेप दे देंगे 6.5 इंच पर। और उसकी कटिंग कर देनी है। सो आप देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने अम्ब्रेला कट बाजू की कटिंग कर दी है। सो फ्रेंड, टॉप की कटिंग तो मैंने कर ली है, अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो पहले हम नेक को बनाएंगे। तो नेक के लिए मैंने पट्टियाँ कट की हैं, इन पट्टियों को हमें इनके ऊपर सीधा रखना है, नेक के ऊपर बिल्कुल सीधा रखना है, इस प्रकार से नेक के ऊपर बिल्कुल सीधा रखना है, और यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। उसी के अकॉर्डिंग हम दूसरे पार्ट में रखेंगे। नेक के ऊपर पट्टी को बिल्कुल सीधा रखना रख देना है, और सिलाई लगा देनी है। सो आप देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अब हमें क्या करना है, कैंची की हेल्प से छोटे छोटे कर लगा देंगे हम, ताकि जब हम इसको फोल्ड करें तो ये आसानी से फोल्ड हो जाए। सो अब हमें क्या करना है फ्रेंड, इसको फोल्ड कर देना है और सिलाई लगा देनी है। इसी अकॉर्डिंग हम दूसरे पार्ट में करेंगे, इस प्रकार से फोल्ड करेंगे। उसके बाद हम शोल्डर को अटैच करेंगे। तो फ्रंट पार्ट में हमें फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट को बिल्कुल सीधा रखना है, सिलाई लगा देनी है शोल्डर पर 1/2 इंच की दूरी पर। सो आप देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने नेक को बना लिया है और शोल्डर पर मैंने सिलाई लगा दी है। अब हमें क्या करना है, फिर से इस नेक को पट्टी को फोल्ड करना है, सिलाई लगा देनी है चारों तरफ। उसके बाद हम बाजू को अटैच करेंगे। तो बाजू के कपड़े को हमें बिल्कुल सीधा रखना है, टॉप के ऊपर इस प्रकार से सीधा रख देना है, सिलाई लगा देनी है। इसी अकॉर्डिंग हम इस बाजू को अटैच करेंगे। टॉप के ऊपर बिल्कुल सीधा रखना है, सिलाई लगा देनी है। सो आप देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने बाजू को अटैच कर दिया है। अब हम अम्ब्रेला कट बाजू को अटैच करेंगे। तो पहले से ही मैंने इनको 1/2 इंच की दूरी पर फोल्ड किया हुआ है, आप देख सकते हैं दोनों बाजुओं को मैंने 1/2 इंच की दूरी पर फोल्ड कर लिया है नीचे से। अंदर बाजू के अंदर अटैच करेंगे। अम्ब्रेला कट बाजू का कपड़ा हमें बिल्कुल सीधा रख देना है इनके ऊपर, अम्ब्रेला कट बाजू को भी इनके ऊपर सीधा रखना है, और सिलाई लगा देनी है इस प्रकार से। देखिए आप, सीधा रखना है और सिलाई लगा देनी है। सो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था अम्ब्रेला कट बाजू को अटैच करना, उसी अकॉर्डिंग मैंने इनको अटैच कर दिया है, और 1/2 इंच की दूरी पे मैंने दोनों बाजू को फोल्ड कर दिया है नीचे से। सो फ्रेंड, अब हम फिटिंग में सिलाई लगाएंगे। तो फिटिंग में मैंने टॉप को इसीलिए कट किया था ताकि जब हम इसमें फिटिंग में सिलाई लगाएं तो हमें आइडिया लग जाए हमारी फिटिंग का। हमें टॉप को फिटिंग में नहीं लेना है, 1/2 इंच की दूरी पर हमें सिलाई लगानी है इसमें। आप मार्जिन भी कर सकते हैं इस प्रकार से 1/2 इंच की दूरी पर, और हमारे आइडिया के अनुसार यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद हम नीचे से टॉप को फोल्ड करेंगे 1 इंच की दूरी पर, और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे चारों तरफ। अगर आपके पास कपड़ा कम हो तो आप 1/2 इंच की दूरी पर इसको फोल्ड कर देना है, और यहाँ पर सिलाई लगा देनी है चारों तरफ से। सो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था फिटिंग में सिलाई लगाना, अपने आइडिया के अनुसार मैंने यहाँ पर फिटिंग में सिलाई लगा दी है, और 1 इंच की दूरी पर मैंने टॉप को नीचे से फोल्ड कर दिया है। आप देख सकते हैं फोल्ड करके मैंने चारों तरफ से सिलाई लगा दी है। सो फ्रेंड, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था टॉप की कटिंग एंड स्टिचिंग करना, उसी अकॉर्डिंग मैंने टॉप को तैयार किया है। तो मेरा जो टॉप है वो बनकर तैयार हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। सो थैंक यू फ्रेंड।